नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण खापेकर, नवजात शिशु बाल विशेषज्ञ। आशाचिन अस्पताल अपनी 22वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहा है। आइए इस अवसर पर मैं आपको एक शिशुन बच्चों को बचाने से लेकर एक स्वस्थ बुद्धिमान निरोगी बच्चों के निर्माण की जर्नी शेयर करता हूँ, और यह बहुत ही दिलचस्प है। मेरे सभी माता पिता परिवार वालों से विनती कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये करने की प्रेरणा मुझे ऐसे बच्चों से मिली थी जो बड़े होकर शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए थे, उनका जीवन बिल्कुल अंधकारमय हो गया था। तो आइए यहाँ पर मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ कि क्यों और कैसे हम शिशु और बच्चों का इलाज करते करते बच्चे को भविष्य में स्वस्थ निरोगी बनाने के लिए जुड़ गए। इसकी क्या वजह थी? आशाचिन अस्पताल भारत का एक ऐसा अनोखा अस्पताल है जहाँ एक ओर माँ शिशु बच्चों का तो इलाज किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर जो है शिशु का जीवन के पहले 1000 दिनों में संपूर्ण विकास हो, जिससे बड़ा होकर स्वस्थ रहे, बुद्धिमान रहे, बीमारियों का शिकार न हो, इसके लिए भी सुविधाएँ दी जाती हैं। 3 जुलाई 2002 को आशाचिन अस्पताल की शुरुआत की गई थी। हमारा मुख्य उद्देश्य गंभीर नवजात शिशु, समय से पहले जन्मे कम वजन के शिशु एवं बच्चों को उच्च क्वालिटी के सर्विसेज उचित दामों पर देना, उनका इलाज करना, उन्हें नई जिंदगी देना। धीरे धीरे हम अपनी सर्विसों का विस्तार करते गए और नवजात शिशु बच्चों के इलाज के लिए सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई। नवजात शिशु गहन कक्ष, बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड, शिशु बच्चों के ऑपरेशन, बच्चों के लिए ओपीडी, टीकाकरण, न्यूट्रिशन ग्रोथ सेंटर, और यह सब सुविधा जो है उचित दामों पर उपलब्ध कराई। एवं मरीजों के प्यार और विश्वास से जो है आशाचिन अस्पताल मध्य भारत का एक बड़ा विश्वसनीय स्तर का अस्पताल बन गया, और अभी तक हमने जो है 20,000 से अधिक नवजात शिशु का सफलतापूर्वक इलाज किया है। और हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था, 26 हफ्ते में जन्मे 490 ग्राम के शिशु का हमें एक जीवन दान दिया था। सन 2013 में हमने जो है मैटरनिटी की शुरुआत की थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य माँ और शिशु का एक साथ एक ही जगह आसानी से इलाज करना, और इस काम में भी हमें सफलता मिली और यहाँ पर भी हमने बहुत कुछ सीखा। दोस्तों, हमारी जर्नी केवल माँ शिशु बच्चों का इलाज करने तक ही सीमित नहीं रही। सन 2015 में बहुत ही बारीकी से देखा कि शिशु बच्चों और किशोरों में जो है मानसिक कमजोरी एवं बीमारियों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, और कुपोषित बच्चों की जो है छोटी छोटी बीमारियों से असमय मृत्यु भी हो जाती थी। मैंने मुख्य रूप से यह देखा कि 10 में से 3 से 4 बच्चे जो है समय से पहले कमजोर रहता, उनका वजन जन्म के समय 2.5 किलो से कम रहता, जिसे हम लोग कुपोषित बच्चे कहते थे। बच्चों में शारीरिक और मानसिक कमजोरी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी। बच्चे जो है अंडरवेट के शिकार हो रहे थे, उनकी हाइट कम हो रही थी, वे मोटापे के शिकार हो रहे थे। मानसिक कमजोरी के अंतर्गत जो है उनका बौद्धिक विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा था, पढ़ाई लिखाई पीछे रह रहे थे, उनमें मेमोरी की प्रॉब्लम थी, अटेंशन हाइपर एक्टिव, बोलने की प्रॉब्लम थी, ऑटिज्म, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, दूसरे बच्चों के साथ मिलकर नहीं रह पाते थे, और साथ में देखने में आ रहा था कि बच्चे जो है बड़े होकर नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों के भी शिकार हो रहे थे, जैसे मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एलर्जी, आस्थमा, हार्ट एंड किडनी बीमारी, कैंसर, हड्डियों की कमजोरी, पाइल्स, यह सब बीमारियाँ बच्चों में लगातार बढ़ती जा रही थी। और जब बच्चे बड़े होकर जो है किशोरावस्था में जा रहे थे, तो अपनी बॉडी इमेज को लेकर ही बहुत परेशान रहते थे। माता पिता अपने बच्चों की इन सब समस्याओं को लेकर इलाज कराने आते थे, और साधारणतः हम ऐसे बच्चों को जो है सप्लीमेंट और डाइट रिकमेंडेशन करते थे, लेकिन इलाज के बावजूद भी उन्हें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो पाता था, और माता पिता इस समय बहुत ही निराश हो जाते थे, अभी अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करते थे। दोस्तों, जब हमने देखा कि बच्चों में समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो हमने यह जानने की कोशिश की कि क्यों बच्चे बड़े होकर इन सब समस्याओं से ग्रसित हो जाते, इसकी क्या वजह है। और इसके लिए हमने इन कमज़ोर बच्चों को लेकर जो है एक स्टडी की, और हमने मुख्य रूप से देखा कि इन कमज़ोर बच्चों का शुरुआती 1000 दिनों में, अर्थात गर्भावस्था से लेकर 2 साल तक, जहाँ पर शिशु के शरीर और ब्रेन का विकास बहुत तेज होता है, एक भविष्य के स्वास्थ्य की नींव तैयार होती है, वहाँ पर इनका कैसे विकास हुआ था। हमने उन सब घटकों का एनालिसिस किया जो शिशु के विकास में बाधा डालते थे। यहाँ पर हमने मुख्य रूप से देखा कि इन कमजोर बच्चों का गर्भावस्था में कैसे विकास हुआ था, यहाँ पर माँ को कैसा पोषण दिया गया था, उसका स्वास्थ्य कैसा था, ये कितने समय पैदा हुए थे, जन्म के समय इसका वजन कितना था, और इन कमजोर बच्चों को जो है जन्म के बाद पहले 2 साल में कैसे विकास हुआ था, वहाँ पर माँ का दूध मिला था कि नहीं मिला था, ऊपर कौन सा दूध दिया था, कैसा पोषण दिया गया था, कैसा वातावरण दिया गया था, कैसी स्वास्थ्य सेवाएं दी गई थी, यह सब चीज़ देखी गई। इस अध्ययन से हम यह निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन कमजोर बच्चों का शुरुआती 1000 दिनों में माँ और शिशु को जो है सही पोषण, उचित स्वास्थ्य सेवाएँ, अच्छी देखभाल, अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिला था, जिसकी वजह से जो है शुरुआती 1000 दिनों में इन कमज़ोर बच्चों के शरीर और ब्रेन का जो है बराबर विकास नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इनके भविष्य के स्वास्थ्य की नींव बिल्कुल कमज़ोर थी, और 2 साल के बाद इलाज के बावजूद भी इनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ। जैसे हमें 21 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनानी है, तो उसका सबसे ज़रूरी भाग क्या होता है, उस बिल्डिंग का फाउंडेशन, उसकी नींव बनाते समय हमने कितनी अच्छी क्वालिटी का सीमेंट, लोहा, रेत यूज़ किया है। जितनी अच्छी नींव मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी अच्छी लंबी होगी, लंबे समय तक टिकेगी और उसमें कोई दरार ही नहीं आएगी। अगर बिल्डिंग की नींव कमज़ोर है तो क्या होगा, बिल्डिंग लंबे समय तक नहीं टिकेगी, उसमें दरारें आएगी, उसे बार बार रिपेयर करना पड़ेगा। उसी तरह
हमारे शरीर के भविष्य के स्वास्थ्य की नींव जो है जीवन के पहले 4 दिन अर्थात गर्भावस्था से लेकर 2 साल तक तय होती है। इस दौरान अगर हम शिशु को सही पोषण अच्छी देखभाल देते तो यहाँ पर नींव बिल्कुल मजबूत रहेगी और शिशु बड़ा होकर बिल्कुल स्वस्थ सुदृढ़ निरोगी रहेगा और एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। दोस्तों, इस स्टडी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखने में आई थी कि किसी माता पिता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अगर शिशु का शुरुआती 1000 दिन में संपूर्ण विकास नहीं हुआ तो बड़ा होकर शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा और 2 साल के बाद चाहकर भी उन्हें बहुत ज़्यादा हम बदलाव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, सन 2018 में हमने माता पिता ने परिवार वालों को जीवन के पहले 4 दिनों के महत्व के बारे में एजुकेट और इम्पावर करने के लिए डॉक्टर खापीकर मिशन स्वस्थ और निरोगी बाल की शुरुआत की। इस मिशन के अंतर्गत हम नागपुर इन आसपास के ग्रामीण इलाकों में निःशुल्क मार्गदर्शन सेमिनार का आयोजन करते हैं और इसे मुख्य रूप से यह जानकारी देते हैं कि शिशु का शुरुआती 1000 दिन में उसके शरीर और ब्रेन का कैसे विकास होता है, उसका बाद के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे हम शिशु का शुरुआती 1000 दिन में संपूर्ण विकास कर सकते हैं, उसके लिए इसका कैसा पालन पोषण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जिससे शिशु का संपूर्ण विकास हो और वो बड़ा होकर एक स्वस्थ नागरिक बने। और इस मिशन के अंतर्गत हमने अभी तक जो है 25 निःशुल्क सेमिनार का आयोजन किया हुआ है और हज़ारों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। आप भी हमारे इस मिशन से जुड़ सकते हो और अपने आप को एजुकेट कर सकते हो। दोस्तों, हमारी जर्नी केवल पेरेंट्स को एजुकेट करने तक ही सीमित नहीं रही। हमने सोचा कि केवल पेरेंट्स को एजुकेट करने से अपने शिशु का संपूर्ण विकास नहीं कर सकते। इसके लिए हमने सन 2019 में डॉक्टर खापीकर ग्रोवेल फर्स्ट 1000 डे चाइल्ड ग्रोथ न्यूट्रिशन केयर सेंटर की शुरुआत की और इसका मुख्य उद्देश्य शिशु का शुरुआती 1000 दिनों में संपूर्ण विकास करना और इसके लिए जो है गर्भावस्था के पहले, गर्भावस्था के समय, जन्म से लेकर 2 साल तक एंड किशोरावस्था में सही पोषण के लिए जानकारी देना, उचित स्वास्थ्य सेवाएं, प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज देना जिससे जो है शिशु को बीमारियों से बचा सके और साथ में मार्गदर्शन देना जिससे माता पिता अपने शिशु का संपूर्ण विकास कर सके और वह बड़ा होकर एक स्वस्थ नागरिक बने। दोस्तों, इस 22 साल की जर्नी में मैंने यह सीखा कि एक शिशु के भविष्य का जो है शारीरिक विकास, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके जो है जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रहने की नींव जीवन के पहले 1000 दिन अर्थात गर्भावस्था से लेकर 2 साल तक तय होती है और सभी माता पिता, परिवार, समाज की जिम्मेदारी है कि शिशु का शुरुआती 1000 दिन में संपूर्ण विकास हो। इसके लिए जो है माँ शिशु को सही पोषण, अच्छी देखभाल, उचित स्वास्थ्य, अच्छा मार्गदर्शन दे जिससे शिशु का शुरुआती 1000 दिन में संपूर्ण विकास हो, वह बड़ा होकर एक स्वस्थ नागरिक बने जो कि परिवार, समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। आइए हम सब मिलकर जो है आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और निरोगी बनाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो शिशु एवं बच्चों का इलाज करने से लेकर एक स्वस्थ बुद्धिमान निरोगी बच्चों के निर्माण की जो यात्रा शेयर की है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, हेल्पफुल होगी, इंटरेस्टिंग होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू।